वो देखो नम्रता आणि नंदनीताई तुम्हारे लिए चादर तैयार कर रहे। उसी चादर पर दूध उलट देना। पियू काशी हो गया जी आई। हाँ अब लिखना एकनाथ जी वेलणकर, पिलाजी शिंदे, कृष्णचंद्र, वसंतराव आई। हाँ ये लोग कौन है? अरे ये हमारे राज्य के सबसे धनी मानी लोग हैं जो काशी के बाबा के साथ व्यापार करते हैं। पर आई जिन्हें हम जानते ही नहीं उन्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? व्यर्थ में धन बर्बाद करने का क्या औचित्य है? आप लोग पेशवा साहेब का परिवार है, आपका हर उत्सव विशाल और भव्य होना चाहिए। राज्य के गणमान्य लोगों को बुलाने से पेशवा साहेब और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। मान कर्म से बढ़ता है आई साहेब, इन सब चीजों से नहीं। जनता के सामने संपन्नता की मिसाल रखने के लिए तो कितने सारे धन कुबेर बैठे हैं। पेशवा साहेब के परिवार को तो सादगी की मिसाल रखनी चाहिए। आई तूने ही तो हमें सिखाया था ना कि सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, और आज तू ही वो आदर्श भूल रही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नमस्ते। अच्छे कर्म करना आवश्यक है, पर उससे भी आवश्यक है उस अच्छे कर्म का प्रचार करना, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ सके। मात्र आदर्शों से तो आश्रम चलते हैं, राज्य नहीं। पेशवा साहिब के पास तो साम दाम दंड भेद हर शक्ति होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं राज्य चलाने के लिए राजा को चाहिए कि किसान को भी प्रसन्न रखे और कुबेर को भी। धनपतियों का व्यापार उन्नति करता रहे तो सदा पेशवा साहिब से प्रसन्न रहेंगे। और रही बात सहायता की, तो कोई भी पेशवा साहिब की सहायता तभी करेगा जब उन्हें उनके आदर्शों पर विश्वास रहे। और जिसे विश्वास है उसे दिखावे की क्या जरूरत है? बाजी तू इन सारी बातों के बारे में मत सोच, हम पर छोड़ दे। हाँ हम संभाल लेंगे। हमने इसीलिए कुमुद को यहाँ बुलाया है। इन सब कामों में कुमुद की बुद्धि बहुत तेज चलती है। उल्लास भाव, विठल काका, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई बाजी। पता नहीं कैसे हमारी खड़ी फसल में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। ये सब कब हुआ? कल देर रात को, जब तक हम बचाने पहुंचे, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। अब पेशवा साहब को बुलाइए। पेशवा साहब तो यहाँ नहीं है, पर उनकी तरफ से मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आप सबके नुकसान की भरपाई की जाएगी। आप लोग आगे चलिए, मैं आकर आपके खेत देखता हूँ, पता तो चले कि आग लगी कैसे। जावई बापू, आप इनके नुकसान की भरपाई क्यों करेंगे? ये काम आपका नहीं है, और वैसे भी इतना बड़ा निर्णय तो बस पेशवा साहिब ले सकते हैं। जब विपत्ति किसी के प्रतीक्षा नहीं करती है तो समाधान को भी किसी के प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये लोग पेशवा साहिब के घर उनसे सहायता मांगने आए हैं, और इन्हें सहायता अवश्य मिलेगी। मैं इन्हें और इनके परिवारों को भूखा मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
जी से कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूं? वो अपने बाबा के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा है, जनता का भला करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भला उसे क्यों रोकूंगी? बाजी से शत्रुता के कारण नासिर ने हमारी काशी को निशाना बनाया। इस बार दोनों ने इसे बचा लिया, पर मुगलों से इसी तरह संघर्ष करते रहे तो ना वो सुरक्षित रह पाएंगे और ना हमारी काशी। आग से खेलते रहो तो कभी ना कभी वो हमारा दामन पकड़ ही लेती। हमें इस आग के खेल को रोकना ही होगा, और वो भी बाबा के वापस लौटने से पहले, क्योंकि बाबा के वापस लौटने के बाद इन्हें बाबा की अगली मुहिम पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ताई, हमें पेशविन बाई की सहायता लेनी चाहिए। आज पेशविन बाई ने जिस तरह उन किसानों की सहायता करने के लिए बाजी को प्रोत्साहित किया, हमें नहीं लगता वो हमारी कोई सहायता करेंगी। और वैसे भी बाजी को बांध पाना पेशविन बाई की बस की बात नहीं है। जावई बापू आंधी है, उन्हें रोकने जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें अगर प्रेम से शांत करेंगे तो आंधी को हवा का झोंका बनने में देर नहीं लगेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताई कि सावई बापू स्वयं ही मुहिम पर जाने से इनकार कर दे। पर ये तो असंभव है, वो तो सोते जागते बस मुगलों से युद्ध और संघर्ष करने के ही सपने देखते। उन्हें अपने जीवन में अपनी तलवार से अधिक प्रेम और किसी चीज से नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें उनकी तलवार से अलग करना होगा। एक बार तलवार हाथ से छूटी तो गृहस्थी की डोर थमाना कठिन नहीं होगा। तेरा संदेह सही निकला, नासिर काव छोड़कर गया नहीं, और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो नासिर ने ही लगवाई है। पर ये बात आपको कैसे पता चली ईशु भाऊ? जैसे कि बाजी ने कोटिया से कहा था, वैसे ही कोटिया ने मुझसे कहा, तो मैं गांव के बाहर नासिर को ढूंढने गया और मैंने देखा कि नासिर जीवित है, और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो मुगल सैनिकों ने उसके ही आदेश पर लगाई है। मैं उन्हें रोकना चाहता था पर वो संख्या में अधिक थे और उनके पास शस्त्र भी थे। नासिर ने मेरे परिवार, मेरे गांव वालों पर हमला करके मुझे चुनौती नहीं अपनी विनाश को न्योता दिया है। अब नासिर हमारे गांव वालों के नुकसान की भरपाई भी करेगा और यहां से ऐसा सबक भी सीख कर जाएगा कि वो दोबारा हमारी मिट्टी पर कदम भी नहीं रखेगा। रुकिए, पहले हम आपके हाथ पांव धुलवाते थे। आप हमें ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो हमारी आई ने हमें सिखाया। मुझे बस हाथ पांव ही धुलवाने थे, स्नान नहीं करना था। भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, आप जल्दी जाके अपने कपड़े बदल लीजिए।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपनी वहनी से, उन्होंने बिना मेरी आज्ञा के मेरी तलवार उठाई। कहाँ है तेरी वहनी? बाबू आप क्रोध मत कीजिए, हम अभी वहनी से आपकी तलवार लाते हैं। सीढ़ी से गिरने के कारण आंतरिक चोट आई है। बालक को जब तक होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। बीयू काशी, बीयू को बाहर लेके जा। आप रहने दीजिए, मैं स्वयं अपनी बहन का ध्यान रख सकता हूं। चल भियो। इस घर में एक चिमना अप्पा ही है जो हमें अपना मानते हैं, पढ़ने का सम्मान देते हैं, वो हमारे देवर भी है और मित्र भी, तो फिर हम उन्हें पीड़ा सहते हुए कैसे देख सकते? ऊपर से ये सोचते हैं कि हमने चिमना अप्पा को धक्का दिया। हमने तो कभी कभी किसी दूसरी लड़कियों की तरह तितली भी नहीं पकड़ी कि तितली को कष्ट होगा। हम भला चिमना अप्पा को कैसे पीड़ा दे सकते हैं? हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगते हैं। हमारे चिमना अप्पा को बचा लीजिए। Yeah.
बाजी, काशी चिमना को होश आ गया। चिमना, भगवान की कृपा से हड्डी नहीं टूटी, परंतु फिर भी विश्राम की पूर्ण आवश्यकता है, वरना परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चिमना, कैसे गिरा तू? हाँ, चोट कैसे आई बाड़ा? के पीछे गया था, कहीं काशी भाई नहीं थे तुझे धक्का? नहीं भाव, वानी ने कुछ नहीं किया, बस हमारा ही पैर फिसल गया था। देवा, बाल बाल बची, अच्छा हुआ चिमना ने मुझे नहीं देखा। चिमना, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था, पता है डर से हम सबके प्राण ही चले गए थे। अब वैद्य जी की बात मानकर पूर्ण विश्राम करना। हमें चिमना को आराम करने देना चाहिए, हम ये तो चिमना को भले ही आपने धक्का नहीं मारा, पर मेरी तलवार तो आपने ही छुपाई है ना? कहाँ है मेरी तलवार? हमें कैसे पता होगा? और अगर पता भी होता तो हम आपको बताते नहीं, क्योंकि क्योंकि आप बड़े बुरे हैं। मुझे मेरी तलवार लौटा दीजिए, वरना सचमुच मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप हमें डराने का प्रयास करेंगे तो हम आपकी शिकायत आप ही की आई से करेंगे। देखिए, आपकी तलवार। आपको कहाँ मिली? वहीं जहाँ आपने छोड़ दी थी। धन्यवाद। तलवार हाथों में लेकर कौन से युद्ध पर जा रहे हैं जामई बापू? घर में नामकरण का उत्सव होने वाला, अब तो चिमना का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सारी व्यवस्था आपको अकेले ही देखनी होगी। जब हमारे लोग हमारा गांव पीड़ित हो तो मैं उत्सव कैसे मना सकता हूँ? हमारी संस्कृति में तो अपने चौखट पर दिया भी ऐसे रखा जाता है कि सिर्फ अपना घर ही नहीं पड़ोसी का घर भी रोशन हो। अपनी रोटी खाने से पहले दरवाजे पर आवाज दी जाती है कि कहीं किसी को इस अन्न की हमसे अधिक आवश्यकता तो नहीं, और आप कह रही हैं कि हम इस विपत्ति काल में उत्सव मनाएं? जब तक मैं अपने गांव वालों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देता तब तक नामकरण का उत्सव नहीं होगा। मैं बाजी के निर्णय से सहमत हूं।